हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम बात करते हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई फाइल को मैं क्लोज करें तो क्लोज करने से पहले मेरा फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। जी हाँ, फाइल को क्लोज करने से पहले ऑटोमेटिकली सेव करना। तो कोडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की सीक्वेंस लिए टू जेड, तो मैं ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इस मोबाइल के इस ऐप मोबाइल ऐप जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आईओएस एंड एंड्रॉयड दोनों पे मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ लाइव क्लास लेना चाहते हैं, जी हाँ, जूम के जरिए हम वन टू वन लाइव क्लासेस देते हैं, तो आप लाइव क्लास ज्वाइन करना है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। और आज ही एक नया बैच शुरू कर रहा हूँ रात को 9 बजे, तो फटाफट आप मुझे कॉल कर लीजिए इसी नंबर पर। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। Recording in progress. तो हमें करना है क्या है, हमें करना है कि जब भी मैं फाइल को क्लोज करूं तो ऑटोमेटिकली मेरा फाइल सेव हो जाए। और 101 की वीडियो सीरीज में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी कोई हमें ऑटोमेटिकली वर्क करना है, कोई एक्शन का रिएक्शन करना है, तो हमें इवेंट माइक्रो यूज करना होता है। तो फटाफट डेवलपर में जाते हैं, विजुअल बेसिक पे जाते हैं, दिस वर्कबुक पे जाते हैं, और यहाँ पे वर्कबुक या बाय डिफॉल्ट ओपन है, ओपन के जगह पे सिलेक्ट करते हैं बिफोर क्लोज, या ऊपर में आएगा बिफोर क्लोज, बिफोर क्लोज। अब ऐसा क्यों होता है कि ऐसा अगर आपको लग रहा है कि मेरा फाइल की अपना सेव किए कोई बंद कर देगा या अपने आप बंद हो जाएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी, ऐसे केसेस में आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहां पे मैं सिंपली लिखता हूं एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज। तो ये बुक का स्पेलिंग, और मुझे सेव करते हुए क्लोज करना है तो यहां पे कर दीजिए क्लोज, तो सेव करते क्लोज कर देगा। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही अगर मैं चाहूं कि मुझे एक मैसेज बॉक्स के जरिए देना है कि भाई पहले पूछ ले बंद करना, हालांकि पूछता है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं क्लोज करने से पहले दोबारा कंफर्म करें। कभी कभी क्या होता है कि सेव नहीं भी करना होता है, तो ऐसे केसेस में मुझे यहाँ कंडीशन लगाने, तो कंडीशन में यहाँ पे लगा सकते हैं हम सिलेक्ट केस एम एस जी बॉक्स, और यहाँ पे एम एस जी बॉक्स के अंदर यहाँ डालते हैं सेव फाइल, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे बटन, यहाँ पे अपना बटन भी डिफाइन किया जा सकता है। तो मैंने मैसेज बॉक्स में यस नो वाला बटन ले लिया, यस नो। अब यस पे क्लिक करेगा तो वीवी यस, नो पे क्लिक करेगा तो वीवी नो आएगा। तो यहाँ पे किया मैंने केस, केस में मैंने लिखा कि वीवी यस, तो यहाँ पे केस वीवी यस, तो सेव हो जाए। और फिर यहां पे एल्स देते हैं, यहां पे केस देते हैं कि केस वीवी नो, तो यहां पे हम सिंपल लिखेंगे कैंसल, जो इवेंट है उसको कैंसिल कर दें, और यहां पे हम कर देते हैं फिर एंड सिलेक्ट। इसको एक बार हम फाइल को सेव करते हैं, पहले सेव कर लें क्योंकि क्लोज करते समय दिक्कत गई, मैं नहीं कोड नहीं चला तो दिक्कत हो जाएगा, तो हम इसको पहले सेव कर लेते हैं। आ गया 14 नंबर।
अब जैसे यहां से हम क्लोज कर रहे हैं, ओ कैंसल इक्वल करना था, इक्वल छूट गया। वैसे पूछा यस पे क्लिक किया तो सेव करते हुए फाइल को क्लोज कर, फाइल क्लोज हो गया। तो इस तरह की फाइलों पे काम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू।